नमस्कार आम विशेष उपस्थापना को आपन को स्वागत करछी मु दुर्गाशीष जहाँ आप स्लॉग देखुछंती जे ममतार हेब जीत एठी दिजन माँ कर ये फोटो ये माँ हेउछंती निर्भयार माँ बहुचर्चित दिल्ली गैंगरेप कथा से कथा आप समस्त जानिछंती जो माँ लड़ई करथिला आउ झियो को न्याय देला निर्भया केस रे न्याय मिलिछि निर्भया को एवं निर्भयार माँ को ये हेउछंती कुनी झियोर माँ नयागढ़ से कुनी झियो जे लड़ई करुछंती तांको झियो को न्याय देवाई आम आज दिजन माँ को एकाठी करिछु दिजन माँ को गोटे फ्रेम रे रखिबु से माने कथा हेबे आउ ए कुनी झियोर माँ तांको मनोबल बढ़ापाई निर्भयार माँ को सहित कथा हेबे आम सहित जोड़ी होउछंती नुआ दिल्ली रु निर्भयार माँ निर्भयां माँ आशा देवी एवं आम सहित नयागढ़ जदुपुर जोड़ी होउछंती कुनी झियो परीर माँ सौदामिनी मैडम आशा जी आपको स्वागत करते हैं हमारे साथ ये बच्ची जो परी उसकी नाम है उसके माँ भी हैं सौदामिनी मैडम आशा जी वो आपसे बात करना चाहती हैं ये चाहती हैं जानना चाहती हैं कि आपकी जो लड़ाई थी जस्टिस फॉर निर्भया जो लड़ाई थी 8 साल की जो जस्टिस थी वो जीत हुई आपकी न्याय मिला लेकिन यहाँ पे न्याय मिल नहीं रहा है कोई सुन ही नहीं रहा है और जो इंक्वायरी हो रहा है जो तदंत हुआ है उस पर भी ये खुश नहीं है तो आपसे बात करना चाहती है सौदामिनी मैडम आपण आशा देवी सहित सीधा सड़क कथा ही पारे आपण तांकठू बुझी पारे जे से केमिति लड़ई कले आउ केमिति न्याय मिले सौदामिनी मैडम आपण कथा हुंतु आशा देवी आशा जी वो आपसे बात करेंगी सौदामिनी जी आपसे बात करेंगी डायरेक्टली सौदामिनी मैडम आज्ञा नमस्कार चाहिए आप हिंदी में कहीपरिवे और एल्स मुझे बुझे देवी आप हिंदी में कहना चाहिए कि सौदामिनी मैडम ओके ओके आशा जी ये सौदामिनी जी है उनकी एक 5 साल की लड़की थी उसे पहले किडनैप किया गया बाद में उसको मार के फेंक दिया गया और अभी SIT जो इंक्वायरी कर रहा है वो बोल रहे हैं कि ये रेफान मर्डर है ये जस्टिस चाहती है ये रो रही है और ये बोलती है कि मुझे आपकी सहारा चाहिए आपके एडवाइस चाहिए कि मैं कैसे अपनी बेटी को न्याय दे सकूं जस्टिस दिला सकूं आशा जी आप क्या बोलना चाहेंगी सौदामिनी जी को देखिए सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हिम्मत ना हारें और बेटी नहीं दुनिया में नहीं है मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मत रोइए लेकिन हिम्मत रखिए आप अकेले नहीं हैं और आपको इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा लेकिन सबसे मैं ये जानना चाहती हूँ या सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 3-4 महीना हो गए अभी इस केस में एक डिसाइड तक पुलिस नहीं पहुँच पाएगी कि आखिर क्या हुआ है बेटी के साथ उसकी किडनैप कर लिया गया उसको मार दिया गया या उसके साथ रेप हुआ मैंने सरकार यहाँ अभी डिसाइड ही नहीं कर पाई वहाँ की पुलिस डिसाइड ही नहीं कर पाई कि नहीं अभी तक क्या हुआ है आखिर बेटी तो मरी कारण तो कुछ भी होगा चाहे जिस वजह से मरे कारण तो है कारण तो पता आना चाहिए ना कि क्यों मरी मरने से मरी या रेप से मरी कैसे मरी आज जब 3-4 महीने बीत गए जुलाई का केस आया आज ये दिसंबर खत्म होने वाला है अब आज अगर CBI को ये केस दी जाएगी तो CBI को क्या मिलेगा तो मैं वहाँ के सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वहाँ की पुलिस ने क्या किया
वहाँ का पुलिस ने, पुलिस को क्यों नहीं पता चला कि उस बेटी की जान गई तो कैसे गई है? तो सबसे तो मैं वहाँ के जो सरकार है वहाँ उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि बच्ची की जान गई है, बच्ची की कैसे जान गई है, इसको सही मायने में जांच पड़ताल हो और उसको इंसाफ मिले। अब 6-5 महीने बाद अगर सीबीआई को आप देंगे तो क्या उठा के देंगे? कंकाल को क्या उठा के देंगे? क्या सीबीआई को मिलेगा? और नहीं तो और 5-6 महीने केस बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस टाइम एसआईटी टीम जाँच कर रही है, तो हमें नहीं पता कि बच्ची के साथ रेप हुआ है या बच्ची के साथ मारपीट हुई है या उसके अंगों के साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं उनके माँ के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि बच्ची की जान गई है और बच्ची के माँ को इंसाफ मिले और जो इसमें मुजरिम है उसको सजा मिले, बाहर है उसको अंदर लिया जाए या जो मुजरिम है उसको सजा मिले। लेकिन मैं और केसों में भी देखती हूँ कि 1-2 महीना पुलिस जांच करती है, इसके बाद सीबीआई को दो। अगर राज्य की पुलिस काम नहीं करती है तो जो भी केस है शुरू में ही सीबीआई को दे देना चाहिए कि सीबीआई जांच करे। 6-5 महीने बाद सीबीआई को देने में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं वहाँ के सरकार से, वहाँ के जो भी कमिश्नर हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बच्ची की जान गई है तो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो भी चाइल्ड वाले काम करते हैं वो भी, उसमें भी जो कानून है उस पे भी सख्ती हो के जांच होना चाहिए कि आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या है, रेप हुआ है या उसके अंगों को निकाल के बेच दिया गया है। जो भी कुछ हुआ है जल्दी से सामने आना चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उनकी माँ सामने से बात कर रही है, मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके बच्ची के लिए आवाज़ उठाऊँगी, जो भी कोशिश करूँगी, जो भी हो पाएगा कि बच्ची को इंसाफ मिले, और ज़रूर मिलेगा। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आपके साथ सब लोग हैं। तो ये पूरा जो केस है, जुलाई को ये डेड बॉडी मिला था, डेड बॉडी बोल के वहाँ पे 14 पीसेस थे, वो जो थे बोन के 14 पीसेस मिले थे और एक बोरा मिला था और एक ड्रेस भी मिला था, लेकिन 5 महीने तक वो ड्रेस पुलिस के हिफाजत में रहा। अभी बोल रहे हैं कि वहाँ से सीमेंट मिल रहा है और एक बंदा है 17-18 साल का एक बच्चा है, उसको उठा के लेके गए एसआईटी और बोले कि ये ही अक्यूज्ड है, इसी ने रेप किया और उसके बाद इसने मार दिया। लेकिन सौदामिनी मैडम जो है, जो वो बच्ची की माँ बाप हैं, वो नाखुश है, वो बोल रहे हैं कि एसआईटी ने जो तदंत किया है ये एक नाटक है, ये सही इंक्वायरी नहीं है और ये सीबीआई डिमांड कर रहे हैं। इन लोगों ने जिन जिन का नाम लिया उन्हें इंक्वायरी में नहीं किया गया, उनको पूछताछ भी नहीं किया पुलिस ने, और ये जो लोकल पुलिस है 5 महीने तक कुछ नहीं किया, उन्होंने टचर किया ये माँ बाप के साथ। और सौदामिनी मैडम को बार बार वो थाने लेके गए, ऐसा भी किया कि जो बारात थी जिस दिन वो पूजा करते हैं अमर आत्मा के सदगति के लिए जो पूजा करते हैं उसे भी करने नहीं दिया और पुलिस स्टेशन ले गए और बार बार उन्हें टॉर्चर किया। और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, माँ बाप का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लेकिन जो जिनके नाम ये ले रहे हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ। आशा जी, ये तो बहुत सरासर गलत है, सरासर नाइंसाफी है उनके माँ बाप के साथ। एक तो बच्ची की जान चली गई और उनका टेस्ट हो रहा है, जो मुजरिम है बाहर आजाद घूम रहा है। तो अगर दो कारण है कि नहीं बच्ची के अंगों के साथ कुछ हुआ है या मारपीट हुई है हुआ है, तो आखिर अब जो पता चला है कि नहीं एक बच्चे को पकड़ लिया या उसने रेप किया है या मार दिया है, तो 5 महीने पहले क्यों नहीं पता चला? तो दोनों पे जांच है, जांच हो कि आखिर बच्ची की जान कैसे गई है, हमें किसने मारा, हमें मतलब है कि जिसने मारा, जिसने बच्ची की जान ली, जिसने बच्ची की हत्या की, उस मुजरिम को इंसाफ मिलना चाहिए, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए और माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं वहाँ के सरकार से गुजारिश करती हूँ कि 5 महीने हो गए, आपका कैसा पुलिस है, कैसा आपकी व्यवस्था है कि 5 महीने में ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि बच्ची की जान कैसे गई? तो अगर आप उनके माँ बाप सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो ठीक है, सीबीआई को जांच दी जाए
और सीबीआई इसकी जांच करे और जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए और उसको सजा मिले और बच्ची को, बच्ची के माँ बाप को इंसाफ मिले, बच्ची के माँ बाप को इंसाफ मिले। सौदामिनी मैडम आपण पाखु आसिबी, आपण कोन कहया पई चाहिबी? आशा मैडम एक कथा कहउछंती जे किभली भावे तदंत होतिला, आउ कोन अछि आपण को दुख आपण शेयर करंतु। सौदामिनी मैडम प्रथम खोज ना चेष्टा करना मड़ा चेस्ट करूँ नारे मड़ा चेस्ट करपरला बाड़बाड़ी कर गाँव रू भी तड़ीदे से पर्यटन भी पुलिस कौन सी पदक्षेप नीलानी कि कौन सुरा पाइलानी एवं से एस आई टी आसुँ हठात कहती कि सेमती जदि एमती पिला सहित जब एम घटी आज जाए पुलिस कौन पाई धरी पाने मो झ चौदह दिन दिन भूत हो कह लोक विश्वास करें कितु केत गाँव में विश्वास करते कि भूत होसिक कही कहते माँ मत टेकिक नहीं गले मत गोर गुरु जा मना बोली गोर गुरु खाइल मो तुटी चुपी मत मारिदे से कहला आम बारंबार पुलिस को कहचु कि सी कौन तंटी चुपी मारिदे से भी कहला कि विजु देखी से विजु बोली पिला पचारा कौन भी सी कही देखी बोली जाकर आक्रमण होगा मझे से बारंबार कहली पुलिस भी कहले कह हाँ झील श्वासरुद्ध हो मरी ये सत कथा हाँ श्वासरुद्ध हो मरची बोले जब श्वासरुद्ध हो मरी मैंने तो सब बाहर उत्पात हो दौ ना कहीं घर किसी पिला गुडा नंदा मुंडा होसुचा कौन पाई धरूना कौन से तो धरले एवं गोटे अलग मतलब बाहर जदि बाहर कर तथ्य प्रमाण सब सब देखा किसी देखुना पिलाटा बारिटे पड़ी ना से पिला अखार पूरे नहीं पकईदेला पकईदे तार हाड़ गुड़ा गला कुआ अलगांश तो पुणी देखेबे ना ना सब मिशी जामी गोटे पिलार 206 खंड हाड़ से 12 खंड हाड़ मुंडे खाली आस आ सब गुड़ा गला कुआ पुणी एमती विभस भाव काटी देखनी जहाँ फोटो देखी मो हजबैंड कहते ता पार्टी तो कटा है दात दात सब बाहरी पड़ी ताकू बहुत विभस भाव काटिक पूरा सैज सैज कर काटिक रखी एगुटा है तादर किसी मंस टिके भी ना 10 दिन भर कौन मंस मस सब मिलगला टी स्ल भी होल हो कौन ताले से कौन ठूँ पकेला कौन है से कौन केमिकल देनी प्रथम तो से केमिकल को धरले हम से गुड़ा किसी धरूना बारंबार आम उपर आक्रमण कले कौन करू गोटे पड़सार पुटा को जाती से दोषी सब जगह तो तथ्य बाहर कर केवल गोटे दुटा तथ्य देखे किए कौन विश्वास करदेव किए मिश कि सत सब तथ्य बाहर कले आम जानवे से दोषी कि कौन से गुड़ा तो किसी बाहर करना एगुटा कौन गोटे पाला भाषण आम जब प्रतिवाद करवा आम कौन दोषी से आम पिला को न्याय दे पार्बे गोटे निर्दोष पिला फसल से आम हाँ मारदेव एगुटा कौन एरा कौन राजनीति कौन कौन करुँच से कहते सीबीआई तद दिखा सीबीआई तद प्रकृत से निरपेक्ष जी एस आई टी भल तद करेंगे से निश्चित भाव दोष रही है कि तद करना आम जो जयपुरा ना देखे कि सी ये सामिल करेंगे आम कौन विश्वास कर बाबुलनाथ को कहते जयपुरा भी सांग जयपुरा ना भी कहुची मुझे सी अरुण रोध मुझे कि से जयपुरा क्या कहते आशा मैडम को से कथा पहुंचे आशा जी ये एक माँ इंसाफ मांग रही है, ये इंसाफ के लिए ये लड़ाई है और ये बोल रही है कि जो लोकल पुलिस है वो बार बार उसे उठा के लेती थी ले रहे थे वो एक आईआईसी थी एक महिला थी आईआईसी वो बार बार उनको लेके जाती थी वहाँ पे उसने टचर किया वहाँ पे 12 घंटे 14 घंटे थाने पर बैठा के पूछताछ करती रहती थी और ये बड़ी बात है कि इनके घर से 20 मीटर दूर वो डेडबॉडी मिला डेडबॉडी बोल के वहाँ पे 10-12 पीसेस थे बोन के और कुछ नहीं मिला और डॉग स्क्वाड भी वहाँ पे गया लेकिन डॉग स्क्वाड को कोई पता नहीं चला और डॉग स्क्वाड भी कोई वो डेडबॉडी को नहीं मिला पाया और वो नहीं मिला उसे डॉग स्क्वाड को भी नहीं मिला। तो अभी ये सवाल है कि ये जो बताया जा रहा है SIT जो उड़ीसा सरकार ने बनाया है ये SIT के जो इंक्वायरी है इन पर इनका भरोसा नहीं है। दूसरी बात है इन्होंने सेल्फ इमोलेशन की ट्राई की वो भी असेंबली के सामने उसके बाद जाके ये SIT हुआ और इसने इंक्वायरी किया। ये अब इंसाफ मांग रही है ये माँ कि उसे जस्टिस कैसे मिलेगा क्योंकि ये सब मिले हुए हैं इसलिए एक मिनिस्टर है उनके नाम आ रहे हैं ये मिनिस्टर जो अरुण साहू है वो जो एक्यूज्ड है उसको वो बचा रहे हैं उसको वो बचा रहे हैं इसीलिए पुलिस कोई काम कर नहीं रही है ये
इंक्वायरी एक तरफा है। आशा जी तो ये मिनिस्टर क्यों बचा रहे हैं मुजरिम को? मिनिस्टर का वो क्या लगता है मुजरिम की बचा रहे हैं उसको? तो ऐसे ऐसे मिनिस्टर को तो पद पे होना ही नहीं चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके राज्य में 5 महीने पहले केस होती है, अब तक वो डिसाइड ही नहीं हुआ कि आखिर वो बच्ची के साथ क्या हुआ। आखिर बच्ची की तो जान गई है ना, किसने मारा, कैसे गया, रेप्स बलात्कार से गया या मारने से, बच्ची की जान तो गई है। अब पुलिस उसके माँ बाप को क्यों उठा के ले जाके 14-14 घंटे पूछताछ कर रही है, जब बच्ची को उठा लिया गया, किसने किया उनको पता ही नहीं है। तो परिवार को टॉर्चर करने के बजाय तो उस मुजरिम को ढूंढना चाहिए, उस मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि आखिर उसने क्यों बचा रहे हैं उनको। एक बच्ची मर जाती है, उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उसके घर के पास लाश मिलती है। अब 5 महीने बीत जाता है, ये नहीं पता लगता है, मुजरिम तक नहीं पकड़ा जाता है। ये तो पुलिस की या वहाँ का सरकार की दुर्भाग्य है। शर्म आनी चाहिए पुलिस को। हर जहाँ भी केस होता है, पुलिस सबसे पहले वहाँ जाके केस को ख़त्म कर देती है, इसके बाद मजबूरी में हम लोग CBI मांगते हैं। तो CBI के पास जो सबूत क्या मिलेगा, 5 महीने बाद सबूत क्या मिलेगा? बच्ची का कंकाल मिला, उसको टुकड़े टुकड़े में मिला, CBI को क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी हम CBI पे भरोसा करते हैं। उनके माँ बाप अगर मांग कर रहे हैं तो CBI को जांच सरकार को देनी चाहिए और जल्दी से जांच हो, जो भी इसमें मुजरिम है जल्दी से पकड़ा जाए और उसको सजा मिले, क्योंकि माँ बाप को इंसाफ चाहिए। बेटी की जान गई है, देश को भी इंसाफ चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो बच्ची सिर्फ उनकी नहीं थी, देश की बेटी थी। तो उसको इंसाफ चाहिए और मुजरिम को सजा चाहिए, जो भी इसमें गुनहगार है उसको सजा मिले। मिनिस्टर जी क्यों उसको बचा रहे हैं? तो वो वहाँ के सरकार हैं, उनको सरकार जनता ने बनाई है, जनता विश्वास से उनको सरकार बनाई है। तो इस केस में उनको ध्यान देना चाहिए, इस केस को वो ध्यान में रखें और जो भी CBI है उससे जांच पड़ताल हो और मुजरिम को पकड़ा जाए। जी, निर्भया केस में इनिशियल पीरियड में आपको भी ये सब सामना करना पड़ा था, आपको भी ऐसा सामना करना पड़ा था पुलिस इंक्वायरी में? नहीं, मेरे को दिल्ली में तो मुझे नहीं, पुलिस के चक्कर में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे ये सब सामना नहीं करना पड़ा था शुरुआती में जो भी कुछ हुआ हो। लेकिन जब हम बच्ची से मिले, जब हमारी केस का जांच पड़ताल शुरू हुआ, तो हमें पुलिस के तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। हम तो बच्ची की हालत देख के अपना होश हवास खो बैठे। हम तो ये भी नहीं कह पाए कि नहीं उनके खिलाफ FIR करो, उनको पकड़ो, लेकिन पुलिस ने अपना काम सही से किया। अब पुलिस ने जो धारा लगाई सब प्रूफ किया और अब उनके चार्जशीट के वजह से, उनके जो सबूत जुटाए थे उनके वजह से आज निर्भया के मुजरिमों को सजा मिली और हम लोगों को इंसाफ मिला। तो हमें दिल्ली पुलिस से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं और केसों में देखती हूँ, इस पे काम करती हूँ, तो जहाँ भी केस होता है, अभी फिलहाल अभी देखिए UP में जो केस हुई थी, घूम फिर के मुजरिमों के घर वालों ने, पुलिस वालों ने माँ बाप पे ही लगा दिया कि नहीं माँ बाप ने ही बेटी को मार दिया। CBI में एक, ये तो गनीमत कहिए कि वहाँ के सरकार ने 1 महीने में CBI को दे दिया और CBI ने सच सामने लाया और चार्जशीट लग गई। तो इसी तरह मैं CBI सरकार से गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द CBI को दें और CBI इस पर जाँच पड़ताल करे और जल्द से जल्द उनको सजा मिले। सोदामिनी मैडम आपण पाखु आसीबी, किंतु जो मंत्री अरुण साहू को इन्वॉल्वमेंट कथा आसुची, दया करी से ऑडियो टिके चलांतु, राज्यवासी भी देखंतु जे संप्रुक्तिर अभिजोग आसुथिला आ सेटा एटा एस्टाब्लिश करूची से दीटा ऑडियो। मु पुनी आसीबी सोदामिनी मैडम को पाखु को आ आशा मैडम को पाखु को, किंतु प्रथमे से ऑडियो सुनंतु। हेलो भाई, प्रणाम भाई। प्रणाम भाई, जो कथा बडा करो जो भलो करो जो, तो ना ओ भाई से गडा मु करो जी, तो जति कहउछु से सेति कहउछि, मु सब जानुछि, मु चुप अछि कहउ नै से हेवडा सेन्ति नै नै, टिके लिमिटेशन बाहरु पळै गनु तू।
ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁ କରଉଛୁ ସେ କଥା ବୋଲି ସେ କହୁଛି ନା, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଯିବି ନା ଆଜି, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା ହଉଛି ନା? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ କହିବି ବେକାରଟା ଭାଇ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଯଥାରେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତତେ କେତେବେଳେ କିଛି କହିନି, ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଭଲ କଥା କରିଛି, ତୁ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ମୋଟରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଶୟ ହଉନି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯିବି, କହିବେ କାଲି ନେଇକି ଯିବି, ନେଇକି ଆସିବୁ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିବେ ନା, ସମୟ ରହିକି କରଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କାହା କଥାରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିକି ତତେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି ତୋ ବିନା ପରାମର୍ଶ ତୋ ବିନା କଥାରେ ହଉଛି? ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିବି ସକାଳ ମାନେ ସକାଳ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରିବି କହୁଛି, ଶୁଣୁ ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି, ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି ମୋର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଖା କରୁଛି ଯାଇ ଦେଖା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା। ପରଦିନ ଯୋଉ ମାଡ ହେଲା ସେ ବାବୁଲି ଛିଡା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବିଷ ଦେଇଛି ପିଟି ଦିଅ, ବାବୁଲି ନଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ନା 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 ପରଦିନ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ତାର ତ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ପୁରା ଅଛି ବୋଲି ଟାଇମଟା କେତେ କହିଲୁ ମତେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ମିଟିଂ ମୋର ଥିଲା, କହୁନୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ପରଦିନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 10 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉ ବାଡ଼େ आशा जी, ये दो ऑडियो वायरल हुए थे, इसमें मिनिस्टर अरुण साहू जी की वॉइस भी है जो बोल रहे हैं, ये कन्वर्सेशन में एक मिनिस्टर अरुण साहू है, दूसरे जो है वो सरपंच है, वो लोकल सरपंच है, ये सरपंच सौम्यरंजन जो है वो वहाँ पे जस्टिस फॉर फरी जो मूवमेंट चल रहा था वो उस मूवमेंट का चला रहे थे, ये जस्टिस फॉर फरी कैंपेन चला रहे थे, और ये मिनिस्टर अरुण साहू ये टेप में उन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुम ये बंद कर दो, ये जो मूवमेंट चल रहा है इसे बंद कर दो, और इसमें जो मेन अक्यूज्ड है बाबुली नायक, जिसका नाम सौदामिनी जी बार बार ले रहे हैं, वो है बाबुली नायक, बाबुली नायक इज क्लोज टू मिनिस्टर अरुण साहू, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अरुण बाबुली नायक आया था भुवनेश्वर आया था और मुझसे मिलके गया है, ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि बाबुली नायक का संपर्क अरुण साहू जी के साथ है, और ये मिनिस्टर इसीलिए उसे सुरक्षा दे रहे हैं क्योंकि बाबुली नायक इज क्लोज टू मिनिस्टर अरुण साहू, वो उनके नजदीक है, उनके पार्टी का है, जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है ओडिशा में। सौदामिनी मैडम आप आसंग मैडम को आउ कौन कह चाहते आप कहतु सौदामिनी मैडम अनुरोध कर सौदामिनी मैडम रो रही है और वो बोल रहे हैं कि हम मैं गरीब माँ हूं, उनके पति ऑटो ड्राइवर है, ये गरीब है इसीलिए उनके बात कोई नहीं सुन रहा है, ये बार बार सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, एनसीपीसीआर ने भी खत लिखा उड़ीसा गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को, कि आप सिफारिश करें कि इसका सीबीआई इंक्वायरी हो, सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पूरा मामले की इंक्वायरी हो, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है, तो ये बोल रही है सौदामिनी मैडम कि आप आइए यहाँ पे
उनसे बात कीजिए, कुछ कीजिए और उनको इंसाफ दिलाइए, क्योंकि आप पहले से लड़ाई कर चुकी हैं, तो इन्हें थोड़ा इंकरेज कीजिए और आप वो चाहती हैं कि आप यहाँ आइए, उड़ीसा आइए और उनसे मिलिए, तो उनका हौसला बढ़ेगा, वो लड़ाई के लिए उनको एनर्जी मिलेगा। आशा जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपने ऑडियो सुनाया, जैसे मंत्री वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कि मुजरिम को सपोर्ट करना। लेकिन मैं वहाँ का जो महिला आयोग है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस केस को हाई कोर्ट में डाला जाए, हाई कोर्ट इसका इस पे संज्ञान ले, कि जो भी सीबीआई जांच है सीबीआई को दी जाए और इस पे जाँच हो और मुजरिम पकड़ा, जो भी असली मुजरिम है वो पकड़ा जाए, जो भी सरपंच साहब इस मुहिम को चला रहे हैं उसको चलाएं और इसको हाई कोर्ट में डालें कि हाई कोर्ट सीबीआई को जल्द से जल्द इस केस को सौंपे। और सरपंच साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इस मूवमेंट को चलाइए और जोर से चलाइए, लोग इसमें जुड़ेंगे, हम खुद जुड़े हुए हैं और उस बच्ची को जरूर इंसाफ मिलेगा और जरूर ये केस सीबीआई को जाएगी। मैं उनसे माँ को कहना चाहती हूँ कि देखिए, तकलीफ बहुत होता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आप रो करके कमजोर मत होइए, कानून पे भरोसा रखिए, लेकिन संघर्ष जरूर करना पड़ेगा और आपको इंसाफ मिलेगा, बस हिम्मत रखिए, आप बने रहिए और जो भी कुछ हो सकता है आप करिए। इस नहीं, सरकार नहीं सुन रही है, पुलिस नहीं सुन रही है, तो इसके कोई वकील करिए और इस केस को हाई कोर्ट में लगाइए कि हाई कोर्ट संज्ञान ले और इस केस को सीबीआई को दी जाए। आशा जी, पहले से ये मैटर अभी हाई कोर्ट में सबजुडी से, ये जो हाई कोर्ट के अर्डर पर रही, एसआईटी ने एक रिपोर्ट दिया है वहां पे और 24 को नेक्स्ट हियरिंग है। लेकिन ये सौदामिनी जी ये बोल रहे हैं कि एसआईटी की जो इंक्वायरी है वो गलत है, उस पर इनका भरोसा ही नहीं है। जो एलिगेशन ला रही है कि उन्होंने जिन जिन का नाम लिया, कोई भी इंक्वायरी के परिव्यू में नहीं आया, किसी को भी पूछताछ नहीं किया गया, तो ये एक नाटक है। एसआईटी जो बोल रहा है रेप एंड मर्डर का जो बोल रहा है और जिसको अक्यूज दिखा रहा है, ये एक नाटक है। और इसीलिए ये चाहती है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और आप उनको उनका साथ दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और ये चाहती है कि इफ़ पॉसिबल आप भुवनेश्वर आइए, उनसे मिलिए, तो आप मिलेंगी तो इनका हौसला बढ़ेगा और ये लड़ाई को आगे ले पाएंगे। आशा जी, ठीक है, हम देखते हैं, हम उनके साथ हैं, चाहे दिल्ली में बेशक हैं, हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और मैं वहाँ कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी गुजारिश करती हूँ कि विक्टिम पक्ष का भी कोर्ट सुने और जो सच्चाई है वो सामने आए और जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई को दी जाए। वैसे भी 5 महीने हो गए हैं, जितना लेट होगा उतने सबूत मिटाए जाएंगे, तो जल्द से जल्द केस सीबीआई को जाए। वहाँ के सरकार से गुजारिश है, वहाँ के जो विपक्ष में है उनसे गुजारिश है कि इस पे आवाज़ उठाएं और केस सीबीआई को दी जाए। आशा जी, पूरा अपोजिशन अभी एक है, अभी उड़ीसा में जस्टिस पर परी का कैंपेन चल रहा है, अभी दोनों जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, ये भी चला रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, ये भी आंदोलन पे है। लेकिन बड़ी बात है कि सरकार कोई कुछ सुन ही ना रहा है, क्योंकि ये मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन आ रहा है, इसीलिए सरकारी तरफ से सीबीआई इंक्वायरी की कोई सिफारिश हो इसकी कोई संभावना ही नहीं है। सौदामिनी मैडम, आप किसी कहना चाहिए आशा मैडम को डायरेक्ट कही पारे, मुझे बुझे पारि आप चाहते ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ମରିଯିବୁ ଆମେ। ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି
ତାଙ୍କର ତ ସରକାର ତାଙ୍କର ତ ସବୁକିଛି ଯଦି ସେ ଏମିତି ଓଲଟା କେସ୍ କରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବେ କେସ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବେ କି ଆଗକୁ ନେବେନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବୁ ମରିଯିବ ଶୋଇପାରିବୁନି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲେ ମାଛ ମାଛ ହେଇଗଲେ କେତେ ଦିନ ହେଇକି ବସିବି କେତେ ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ମରିଯିବ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି ଆମେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ हाईकोर्ट में नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और सीबीआई को केस दी जाए। ये कि अभी और पेशेंस नहीं है, 5 महीना हो गया और अभी ये जो केस की मोड़ जो बदला दिया गया है, रेफंड मर्डर का जो है अक्यूज बना दिया गया है, ये बोल रही है कि ये सब नाटक है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। ये लड़ रही है एक सिस्टम के खिलाफ, पूरा पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ है, एक पावरफुल मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन आ रहा है, पूरा एसआईटी टीम इनके खिलाफ है, तो ये लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये बोल रही है कि अभी फैसेंस नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी, ये 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 उनके मन में आ रहा है। नहीं, इसको रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा और हिम्मत रखनी पड़ेगी। मिनिस्टर हैं तो क्या, मिनिस्टर का इनमल है तो क्या, उससे भी बड़ा कुछ है, हमारा कानून है, हमारी न्याय व्यवस्था है। हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाइए और सुप्रीम कोर्ट से पर विश्वास रखिए। सुप्रीम कोर्ट केस सीबीआई को जरूर सौंपेगा और जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। बस आप धीरज रखिए, क्योंकि रोने से हिम्मत कम होती है, हौसला टूटता है, तो इसलिए आप हिम्मत रखिए, खड़े रहिए। खड़े रहेंगे तो आपके साथ सब लोग जुड़ेंगे, हम भी जुड़े हैं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन रोएंगे तो हिम्मत हार जाएंगे, तो कोई साथ नहीं देगा। तो इसलिए आप हौसला रखिए और कानून पे विश्वास रखिए। हाई कोर्ट में नहीं आपकी सुनवाई हो रही है तो किसी तरह एक अपील सुप्रीम कोर्ट में लगवाइए और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करिए कि आपका पक्ष सुने, आपकी केस को सीबीआई को दे। सुदानी मैडम एक कथा कहते, आशा मैडम जी की निर्भया लड़ई लड़ू थे 8 वर्षर लड़ई एवं लड़ई रे तांकर जीत हैला, आम भी से चाहूँ जे ममतार हो जीत, किंतु आप धैर्य रखु। एक कथा आशा मैडम कहते जे आप धैर्य रखंतु एवं लड़ई करंतु, मंत्री हेले भी कौन है सत्यर विजय हे निहाती, जदि हाईकोर्ट में न हो सुप्रीम कोर्ट जवाक पड़ो, सी आपण को पूरा साथ देवे, आपणकर पूरा सपोर्ट करेंगे आपण को एवं आपण को सहित अच्छा। सुदामिनी मैडम आज्ञा, आम तो होटेल खाइबू, ए 5 वर्ष होगा बस कौन बाकी जाए कर कौटे कौन करू कौन जी आम बात बोले कौन थी कौन जी कौन करूँ जहाँ को धरव से वकिल प्रकृत में आम लड़ब किए तो पैसा पता धन सबसे सब कि खाई लड़े कि कौन करेंगे कौन करू जी भल ठीक लड़ब कि जहाँ करते वकिल देखी न देने हम प्रकृत में कौन हो कौन नहीं कि कौन करें आज्ञा किसी बुझान जान पार्मू ये बोल रही है कि ये गरीब है, 5 महीने से लड़ाई लड़ रही है, उनका ऑटो भी नहीं चल रहा है, पैसे नहीं है चलने के लिए, वो गुजारे ये कैसे ये लड़ेंगी, इनके पास पैसे नहीं है, वो करोड़पति हैं, उनके पास पैसे हैं, मिनिस्टर हैं, एसआईटी टीम है, पुलिस है, पावर है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है सिवाय ये कि ये लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन इनके पास कुछ संबल ही नहीं है। आशा जी ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। वो उनके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, कोई बात नहीं, मंत्री हैं, लेकिन मंत्री किसने बनाया है, जनता ने बनाया है, तो जनता ही उनका जवाब देगी। बस आप अपना वो रखिए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं और देखते हैं हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन आप किसी तरह, अगर हाई कोर्ट में आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आप किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लगाइए और जो भी मूवमेंट चल रहा है उसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे चलता रहे।
इस जो भी ये चैनल के माध्यम से मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे को मौका दिया आपसे बात करने का। मैं आगे इनसे ही गुजारिश करूँगी कि ये केस को आगे बढ़ाएं, ये चलाते रहें और जो भी इसका प्रोटेस्ट हो रहा है होए, और आप हिम्मत रखिए, मूवमेंट चलना चाहिए, आप हिम्मत रखिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। सच्चाई दबती है, हारती नहीं है कभी। आशा जी, तो आप इनके साथ हैं, सौदामिनी जी के साथ आप हैं, इनको लगता था कि ये बच जाएंगे लेकिन लास्ट में उनको फांसी हुई। तो इसी तरह आप चाहे कोई मिनिस्टर हैं, चाहे कुछ भी हैं, मिनिस्टर खुद क्यों ना इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन अगर वही मुजरिम है तो उनको भी सजा जरूर मिलेगी। आप इनके साथ हैं, लास्ट कॉमेंट, आप इनके साथ हैं आशा जी, सौदामिनी जी के साथ आप हैं? जी मैं बिल्कुल साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ जी। सौदामिनी मैडम आपको शेष रिएक्शन सौदामिनी मैडम, आशा मैडम कहते सी आपको साथ सांगे अच्छा सी आपको साथ देवे। सौदामिनी मैडम आज्ञा आज्ञा, आपण टिके ओडिशा आसंतु, ओडिशा आसिकी से केमती सेटा कोन करिया था टिके आज्ञा कर दियंतु, हमको टिके दया कर दियंतु। बोल रही कि आप ओडिशा आइए, आशा जी ये बार बार बोल रही है कि आप थोड़ा उड़ीसा आइए। देखिए अभी मुझे देखना पड़ेगा, अभी फ्लाइट उलाइट पता नहीं जा रही है नहीं जा रही है, कोरोना का भी चक्कर है तो देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। लेकिन आप मेंटली इनके साथ है, आपका पूरा सपोर्ट इनके साथ है, ये बड़ी बात है कि आपने जो लड़ाई लड़ी आप चाहती है कि इनको बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। मैं वहाँ के विधायक के भी यही कहना चाहते हूँ कि जो भी वहाँ के मिनिस्टर हैं, सरकार हैं, उनसे गुजारिश है कि इस केस पे संज्ञान लें, जो भी मुजरिम है उसको बचाएं नहीं, उस बच्ची को माँ बाप के साथ खड़े हों और इस पे सही से जांच कराएं। वहाँ की पुलिस अगर नहीं जांच कर पा रही है तो सीबीआई को केस दी जाए, लेकिन सरकार उस परिवार की मदद करे, उस बच्ची के माँ बाप की मदद करे और उस बच्ची को इंसाफ मिले, इसलिए इस केस पे संज्ञान ले। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, आपने उनके साथ दिया, उनके साथ हैं, आपने ये आश्वासन दिया कि आप उनके साथ हैं और सौदामिनी जी के साथ हैं। उनको न्याय मिले, जो न्याय निर्भय जी को मिला था, जो न्याय जस्टिस साहब को मिला था, वो न्याय इनको भी मिले। सौदामिनी मैडम आपको शेष रिएक्शन, आपको आत्मबल बढ़ुची कथा है, आपको आत्मविश्वास बढ़ला आशा मैडम सहित कथा है परे। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତ ବଢୁଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଲଢ଼ି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡେରି ହୁଏ କି କ'ଣ ହୁଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ କି ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିଦେବୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇପାରିବୁନି। सौदामिनी मैडम आपण सहित राज्यवासी अच्छा जो मैंने फेसबुक रे कमेंट दौंट आशा मैडम जे निर्भया लड़े लड़िले आठ वर्ष पर झील को न्याय मिलला आ जो मैंने दोषी थे फाँसी दंड मिलला से कहते आप लड़े करूँ सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जातु आपको न्याय मिले जिते बड़ लोकंर संप्रति आपको न्याय मिल। सौदामिनी मैडम कथा है आपण भितर विश्वास आसूची कारण सी भी जड़े माँ सी भी लड़ुले आपड़ भी लड़े कर निहाती बहुत बहुत धन्यवाद। सौदामिनी मैडम आम सहित थिले एवं आम सहित दिल्ली जोड़ी जाइए निर्भया माँ जी कि लड़े कर आशा मैडम एवं झील को न्याय देती से लड़े सारा देश देखी सारा लोक सब देशवासी देखी एवं ओडिशार गोटे माँ तार झीपी लड़े करे कहे मत समस्ते सपोर्ट करूँ राज्यवासी सपोर्ट करमर ये लाइन थी जे ममतार हेब जीत ये माँ रड़े आ माँ रड़े के बेकार जीवनी से निश्चय विजय लाभ करोर्टे न्याय मिल। आमर विशेष उपस्थापना को यही रखुची, नमस्कार।